जी जनाब, यकीन आपने इस ट्रैक को एंजॉय किया होगा। ऐसा समा ना होता, और ये एक इतना ज़बरदस्त ट्रैक है। जब भी आप इस ट्रैक को सुनते हैं तो यकीनन आपको मज़ा आता होगा कि आप पता नहीं कौन से समय में चले जाते होंगे। जो समय की जो बात ही है ना, वक्त की जो बात है, और वक्त जो है इंसान को बहुत कुछ सिखाता भी है। तो जनाब, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। आरजे मोहम्मद आसिफ और आरजे सामा के साथ प्रोग्राम है भूली बिसरी यादें। एक मैसेज है, पहले हम वो शामिल करते हैं और फिर चलेंगे सामा की जानिब। जनाब, नाम है इनका मियाँ तहजीबुल हसन साहब। इस वक्त ये नारान कागान, अगर पाकिस्तान का ये इतना खूबसूरत इलाका है नारान कागान, और मैंने इत्तेफाक से वाह इलाका, जबरदस्त। जी हाँ, और ये इलाका मैंने खुद देखा है। बहुत प्यारा इलाका है, बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही है हमारी ऑल पाकिस्तान टूर की, तो उसमें मैं नारायण कागान भी गया था। तो मियाँ तहजीबुल हसन साहब कहते हैं कि जनाब आपका शो जो है बहुत ज़बरदस्त है, मैं हर हफ्ते सुनता हूँ। आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीप इट अप। प्लीज़ टाइमिंग थोड़ी बढ़ा दें अगर पॉसिबल हो तो। तहजीब साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि टाइमिंग जी बढ़ा देनी चाहिए, चूँकि हफ्ते के दिन ये शो होता है। ये तो इत्तेफाक है कि आज आप सुन रहे हैं, लेकिन हम इस पर करते हैं कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं कि आप इस शो को 2 घंटे सुन सकें, चूँकि उसकी वजूहात कुछ ऐसी टेक्निकल हैं जो कि मैं आपको ऑन एयर नहीं जी बता सकता। अगर आप पर्सनल पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। तो किसी वजह से हम जी अभी इस शो को 1 घंटा चला रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसको हम 2 घंटे तक ले जाएंगे, और आपको ज़्यादा इंटरटेनमेंट होगी, ज़्यादा आप इस शो को एंजॉय कर सकेंगे, और आप हमारी हौसला अफजाई भी यकीनन करेंगे। जी सायमा, क्या है आपके पास और कुछ? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इनका मियाँ तहजीब तहजीबुल उल हसन, हसन साहब का जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि देखिए वहाँ से आप हमारे शो इस टाइम पे आप सुन रहे हैं, और बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, हम आगे देखें या टाइमिंग के बारे में डिस्कस करके फिर हम आपको जरूर बताएंगे। अच्छा जी आसिफ, जी मैं एक अशआर और सुनाना चाहती हूँ आपको, जी सुनिए आप सबको। बिल्कुल। रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, वाह। रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। वाह। रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, सही, रिश्ता वो हो जो अपनेपन का एहसास दे। वाह क्या बात है, वाह क्या थैंक बात है। यू। थैंक। तो जनाब, ये आज का हमारा प्रोग्राम यकीन आपको पसंद आया होगा, और तहजीब साहब बिल्कुल आपने सही कहा है, हम कोशिश करेंगे आपकी जो एक तजवीज़ है, आपकी जो एक फरमाइश है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है शो के साथ साथ, क्योंकि इस 1 घंटे के शो के लिए हम पूरा 1 हफ्ता जो है ना इस पर काम कर रहे होते हैं, आपके लिए चीज़ें ढूंढ कर निकाल रहे होते हैं कि आपको क्या चीज़ सुनाई जाए। सायमा बहुत सारे अशआर सर्च कर रही होती हैं, देख रही होती हैं, पढ़ रही होती हैं, तो इसमें पूरी एक वक्त लगता है, और ये फिर आपके सामने हम लेकर आते हैं। हम कोशिश करेंगे इसके टाइम को बढ़ाने की भी, और आप तमाम लोगों का जो जो जहाँ जहाँ हमें सुन रहा है उन तमाम लोगों का बहुत जी शुक्रिया। इसी तरह सुनते रहिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। तो साइम, आप इजाज़त ले लें, फिर हम आखिरी ट्रैक सुनवाएंगे और फिर इजाज़त देंगे तमाम सुनने वालों से। जी जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने इतने प्यार से हमें नवाजा और इतने प्यार से हमारे सॉन्ग भी सुने, हमारी बातें भी सुनी और हमारे साथ रहे इस टाइम तक, और हमें बहुत सारी एडवाइस भी दी। हम उन सब पे गौर करेंगे इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट वीक जरूर हाजिर होंगे आपकी दुआओं के साथ और आपकी फरमाइशों के साथ। और आप इजाजत दीजिए आरजे साइमा को और आसिफ को, हम दोनों को। वैसे वो अपनी इजाजत आप खुद ही ले लीजिएगा, मैं ले लेती हूँ जब तक की और आखिरी मैं ट्रैक अपना कौन सा है, सॉन्ग आखिरी जी ट्रैक? मैं जी इतना मैं चाहूं तुझे,
कोई किसी को ना चाहे, तो किसको? ये सॉन्ग भी कुछ ऐसा है कि आराम से बिरयानी अच्छा जी, जी वो ये हमारे चाहने वालों के लिए है, चले, इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को ना चाहे। वाह क्या बात है जनाब। इस ट्रैक को सुनिएगा आप, मुझे और तमाम सुनने वालों, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपने आसपास रहने वालों का जी हमेशा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय जी एंड शब अल्लाह खैर। हाफिज।